होप यू विल आर फाइन आउट देयर. हमने बेटा पिछले क्लास से जो है अपने इंग्लिश ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ थोड़ी सी जान पहचान की थी. सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन है, ये हमने हमने जो पिछले क्लास थी उसमें कवर कर लिया. जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है प्लीज़ पहले जो है पुरानी वीडियो है उसको चेकआउट कर लें. उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उससे कितना क्या कुछ सीखा है या फिर कहीं आप लैग कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, हमने जैसे एट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं. जैसे एक ही वर्ड कभी नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो कभी वर्ब का प्ले कर रहा है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किस सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम जो सेंटेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के पहचानेंगे कि भाई इसमें ये किसका काम कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए हैं जिनसे आपके ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कब यूज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, He works hard. आपको जो है वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए वो आपको बताने हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, इसमें क्या है आपका हार्ड, हार्ड यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, हार्ड आपको नेक्स्ट में भी दिखाई दे रहा है एंड उससे नेक्स्ट में भी आपको हार्ड वर्ड दिखाई दे रहा है. तो हम देखते हैं कि क्या एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है. अब वर्ड तो वही है, एच ए आर डी स्पेलिंग भी वही है, ठीक है, प्रोनंसिएशन भी वही है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कैसे प्ले करेगा. सबसे पहला क्या है, ही वर्क्स हार्ड. यहाँ पे ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्क्स क्या है, मेन वर्ब है, राइट. मेन वर्ब के बाद हमने लगाया हार्ड वर्ड. अब यहाँ पे ही हार्ड, ही को तो डिफाइन नहीं कर रहा हार्ड, है ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं है हार्ड से. यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, हार्ड वर्ड जो हमने यूज़ किया है वो वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे वर्क क्या है, वर्ब है, तो हार्ड क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एडवर्ब क्या होती है, दीज आर द मॉडिफाइंग वर्ड्स दैट आइदर मॉडिफाई सम वर्ब, एडवर्ब और सम एडजेक्टिव. सेकेंड है हमारे पास, ही इज अ हार्ड वर्कर, वर्ड वही है. अब देखते हैं कि यहाँ किसका काम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही प्रोनाउन इज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है. ठीक है, हार्ड वर्कर. ही क्या है, यहाँ पे वर्कर है, वर्कर मतलब काम करने वाला. कैसा वर्कर है, व्हाट टाइप ऑफ हार्ड. तो यहाँ पे वर्कर क्या है, नाउन है हमारा, एंड जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं, राइट. तो हार्ड यहाँ सेकेंड सेंटेंस में क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया. प्रीवियस में किसका रोल प्ले कर रहा था, वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा था. तो हमारे डिपेंड करता है कि जो वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, किसकी जो स्पेसिफिकेशन कर रहा है. द सर्फेस इज हार्ड, जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, इसमें फिर देखते हैं क्या बता रहा है. द सर्फेस इज हार्ड, यहाँ पे द सर्फेस क्या है, द हमारा डिटरमिनेंट लगा है आर्टिकल, सर्फेस क्या है, नाउन है. ठीक है, तो नाउन के साथ ही तो आर्टिकल लगते हैं. अब नाउन की ही तो स्पेसिफिकेशन बता रहा है हार्ड, कि सरफेस कैसा है, हार्ड है ना कि स्मूथ है, है ना. तो यहाँ पे जो ये हार्ड है ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव. इसका रोल प्ले कर रहा है एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपका वो क्या है, नेक्स्ट. कहाँ रहता है, ही प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, लिव्स मेन वर्ब है, इन द नेक्स्ट हाउस. हाउस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. अब ये प्रोनाउन तो है ही, नाउन ही है हमारा हाउस, है ना. और हाउस के बारे में ही तो नेक्स्ट वर्ड जो है बात कर रहा है, तो ये नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, राइट. आपको पता चल रहा है ना हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं. अगर यहाँ ही को अंडरलाइन कर देते तो ही क्या था हमारा, प्रोनाउन था. अगला है, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट गिव हिम ए मैसेज. तो यहाँ पे हम इस नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, मतलब जब भी आप उससे दोबारा मिलो, किसी की भी बात कर रहे हैं हम, तो उसको कुछ मैसेज कन्वे कर देना. सी हिम नेक्स्ट, यहाँ पे सी क्या है, वर्ब है. ठीक है,
एंड यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है ये ACC के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगली बार जब देखो, मतलब अगली बार जब मिलो, तो ये वर्ब को जो वर्ड डिनोट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद है आई वॉटर द प्लांट्स रेगुलरली, आई वॉटर द प्लांट्स रेगुलरली। तो बच्चे जो वॉटर वर्ड है वो दोनों ही काम करते हैं, या तो वर्ब भी प्ले करता है एंड जो आपका नाउन है उसका भी रोल प्ले करता है। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे दोनों सेंटेंसेस में कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आई क्या है, आई है आपका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमारा वर्ब ही तो आएगा ना, जो हमारा सिंटेक्स होता है ना, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट आ गए हमारे, राइट। क्योंकि प्लांट्स क्या है, नाउन है, उससे पहले डिटरमिनर लगा है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो भाई हमें सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब भी तो चाहिए, तो यहाँ पे वॉटर किसका रोल प्ले कर रहा है, वर्ब का। हाउ आई वॉटर, हाउ फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ये क्या है आपका एडवर्ब, ठीक है, क्या है ये एडवर्ब। द वॉटर इज प्योर, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द वॉटर इज प्योर, वॉटर कैसा है, प्योर है। यहाँ पे द वॉटर, वॉटर से पहले क्या लगा है, डिटर्मिनर लगा है। डिटर्मिनर किसके साथ लगते हैं, नाउन्स के साथ, है ना, किसी हो के वर्ब के साथ तो डिटर्मिनर हम कभी नहीं लगाते, नाउन्स के साथ ही लगाते हैं। तो यहाँ पे वॉटर किसका रोल प्ले कर रहा है, नाउन का। एंड जो इज है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, दे लाइक टू मी, दे लाइक टू मी। अब जो लाइक वर्ड है ये क्या है, ये आपका एज ए नाउन भी काम करता है एंड एज ए वर्ब भी काम करता है, ठीक है। वो मुझसे झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पे दे क्या है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। टू मी, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्या बच गया, लाई वर्ब बच गया। तो यहाँ पे जो लाई वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे लाइट भी आ सकता था, तो जिस भी वर्ड, कोई भी वर्ड है पर्टिकुलर, उसकी अगर पास्ट टेंस बन जाता है तो वो क्या है, हमारा वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा ही टोल्ड मी ए लाई, उसने मुझे एक झूठ बताया, है ना, टोल्ड मी ए लाई, लाई से पहले ए लगा है। तो वही बात हम फिर से रिपीट करेंगे कि ए क्या है, हमारा डिटर्मिनर है, है ना। डिटर्मिनर किसके आगे लगते हैं, नाउन्स के आगे, तो ये वाला लाई क्या है, नाउन है हमारा, ठीक है। टोल्ड यहाँ पे वर्ब है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है। ही रैन फास्ट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि जो फास्ट वर्ड है उसको हम कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ही प्रोनाउन है, रैन वर्ब है ऑब्वियसली, रन रैन रन, रन की सेकंड फॉर्म है। फास्ट, हाउ ही रैन, कैसे दौड़ा, फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट इज ही इज ए फास्ट रनर, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ही इज ए रनर। हाउ, व्हाट टाइप ऑफ रनर, व्हाट टाइप ऑफ मींस फास्ट रनर। तो रनर यहाँ पे नाउन है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव। दे फास्ट ऑन मंडे, दे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, मंडे यहाँ पे प्रोनाउन, फास्ट ऑन मंडे। यहाँ पे फास्ट क्या है, वर्ब, फास्ट मतलब व्रत करना, ठीक है। वो मंडे को क्या करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत करना, यहाँ पे करना मतलब वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई एम हैविंग ए फास्ट टुडे, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो फास्ट एज ए वर्ब, एज ए एडजेक्टिव, एज ए वर्ब, एज ए नाउन, हर तरीके से काम कर सकता है, बस डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, या किस कॉन्टेक्स्ट में हमने किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया है। कुछ ऐसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। ये है बेटा आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनमें हम बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं ढूंढने की। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, फादर एंड सन एंजॉय मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, हमारा एंड। एंड क्या काम कर रहा है, जो फादर एंड सन जो दो अलग अलग नाउन्स हैं उनको ज्वाइन करने का काम कर रहा है। एंड ज्वाइनिंग का काम किसका होता है, कंजक्शंस का, किसका होता है, कंजक्शंस का, है ना। नेक्स्ट है हमारा, सी वोर ए ब्यूटीफुल साड़ी।
किस तरीके की साड़ी, ब्यूटीफुल, मतलब उसने सुंदर साड़ी पहनी थी। कैसी पहनी थी? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे साड़ी क्या है? नाउन है, तो नाउन को कौन स्पेसिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। नेक्स्ट है हमारा द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टुमारो। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जो पोस्टमैन है वो कुछ डिलीवर करेगा कब? टुमारो। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपका इट, तो इट क्या है यहाँ पे? आपका प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। विल डिलीवर यहाँ पे वर्ब है, एंड वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? आपका इट काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यार कोई नाउन तो है नहीं, इट क्या है हमारा? प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा वाओ दैट वाज स्केरी। स्केरी मतलब ड्रामा। हम क्या करें? वाओ दैट वाज स्केरी। लाइक हमने कोई मूवी देखी और हम कहें वाओ दैट वाज स्केरी, वो तो बहुत ड्रामे थी, है ना? तो हम कोई भी एक्सक्लेमेशन कब देते हैं? एक्सक्लेमेशन कब देते हैं? जब हमारे पास कोई इंटरजेक्शन है, है ना? तो इंटरजेक्शन कहाँ यूज हो रही है हमारी? एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या था? एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा था। द म्यूजिक कॉन्सर्ट वॉज एंटरटेनिंग। द म्यूजिक कॉन्सर्ट वॉज एंटरटेनिंग। वॉज यहाँ पे वर्ब है, हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है ये लगा। ठीक है, इससे पहले हमने दा लगाया, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है हमारा? नाउन। प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल्स। जो किताबें हैं वो दीवार के अगेंस्ट रख दो। प्लेस द बुक्स, प्लेस क्या है यहाँ पे? वर्ब है, इट इज इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, प्लेस वर्ब है, द बुक्स ऑब्जेक्ट है, अगेंस्ट द वॉल्स कहाँ रखना है? अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के अगेंस्ट। ये क्या है हमारी? प्रीपोजिशन। कहाँ? जो रिस्पेक्टिव पोजीशन दिखाते हैं आपके, क्या दिखाते हैं? रिस्पेक्टिव पोजीशंस दिखाते हैं। नेक्स्ट है आई विल नॉट कम टू स्कूल फॉर आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो देखो ये क्या बनेगा, आई विल नॉट कम टू स्कूल वन फ्रेज, एंड दूसरा क्या है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपके पास टू क्लोजेज हैं, मतलब टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, उनको हमने ज्वाइन किया है किससे? फोर्स। तो ज्वाइनिंग का काम कौन करता है? कंजक्शन। कौन करता है? कंजक्शन। जहाँ भी हमारा कहीं ज्वाइनिंग हो रही हो, हम सीधा कंजक्शन यूज कर देंगे। नेक्स्ट है विजिटिंग इटली वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप। यहाँ पे इटली क्या है? नाउन। एंड इसी के बारे में तो बात हो रही है भाई, इसी के बारे में तो बात हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला अंडरलाइन मिलता एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग भी किसको डिफाइन कर रहा है? ट्रिप को। ट्रिप क्या है? नाउन। तो ये भी क्या हो जाता हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा रीमा फॉरगॉट हर होमवर्क। रीमा फॉरगॉट हर होमवर्क। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव, है ना? हम इसको प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या है? वो जैसे एडजेक्टिव। रीमा उसका गृह कार्य जो होमवर्क था वो भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। हम इसको प्रोनाउन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो सेंटेंस है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, उसका बेसिक पर्पस क्या है। क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमने यही बात की थी कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या बोलते हैं, वो वर्ड का डेजिग्नेशन होता है, मतलब कोई भी वर्ड क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो बेटा दिस वाज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज भी गेन कर ली थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इसके बारे में सीख सकें। ठीक है, एंड कंटिन्यू विद द क्लासेस। थैंक यू क्लास।